हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल बिजनेस अप की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है और बहुत ज्यादा हटके होने वाली है, क्योंकि आज जो बिजनेस आइडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बिल्कुल यूनिक बिजनेस होने वाला है, कुछ हटके बिजनेस होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको हमेशा से कुछ यूनिक बिजनेस देखने के लिए मिलते रहते हैं, जो बिजनेस की आप लोगों को डिमांड होती है, एक लघु उद्योग बिजनेस और एक लघु उद्योग से लेके एक बड़े से बड़ा बिजनेस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। और हमेशा हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि एक अच्छे से अच्छा बिजनेस आपके लिए लेकर आए जिसमें आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइस, आज एक ऐसा ही बिजनेस हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिस कंपनी की हम बात करें, जिस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये प्रोडक्ट आपको जो कंपनी दे रही है, ये कंपनी पड़ती है गुजरात के अहमदाबाद में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, गुजरात के अहमदाबाद में। और अगर बात करी जाए प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट आपको इतना ज्यादा हाई डिमांडेड प्रोडक्ट होने वाला है कि आप इसे बनाते बनाते थक जाएंगे और इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट आपको बड़ी ही आसानी से लेके पटरी से लेके बड़े से बड़े मॉल में देखने को मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा हाई होने वाली है, तो डिमांड पूरी करते हुए थक जाएंगे और डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कंपनी की तरफ और जानते हैं सारी जानकारी, किस तरीके का प्रोडक्ट होने वाला है, क्या क्वालिटी आपको कंपनी से जुड़ के मिलने वाली है, कितना इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला, और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो अनोखा बिजनेस है कि जिसकी डिमांड आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं पूरी वीडियो, एंड तक देखिए और सारी जानकारी आपको वीडियो के दौरान मिलेगी। तो चलिए एक बार चलते हैं कंपनी के ऑनर के पास और मिलते हैं उनसे और लेते हैं सारी जानकारी। आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था, आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, एसएस सोडा मशीन के नाम से कंपनी का नाम है। तो आप उसी से समझ चुके होंगे कि प्रोडक्ट किस लेवल का मिलने वाला है आपको। और बात करी जाए कंपनी की, जैसे मैंने बताया था गुजरात के अहमदाबाद में कंपनी पड़ती है। तो चलिए एक बार ऑफिस में चलते हैं और लेते हैं सारी जानकारी। तो फाइनली गाइस सर के पास आ चुके हैं, तो चलिए मिलते हैं एक बार और देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला हमारे लिए और आपके लिए। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू वेरी मच सर। तो बेसिकली आज हम आपके पास आए हैं सर एक बिजनेस आइडिया की तलाश में, एक बेस्ट बिजनेस जो आज की डेट में कोई हर कोई कर सके, अपने घर बैठे कर सके। तो आप अपनी कंपनी के बारे में एक छोटा सा इंट्रो हो जाए पहले। हमारी कंपनी जो है एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंपनी का नाम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है सोडा के अंदर 1972 से वर्क कर रही है, जो सोडा जो प्रोडक्ट होता है जी। जैसे कि बहुत सारी सोडा में फ्लेवर्स होती है, ऑरेंज मसाला, लेमन, सेवन अप, इस टाइप के जो टेस्ट वाली जो फ्लेवर होती है, वो हम काफी सालों से बेच रहे हैं। और मशीनरीज जो है उसका 20 इयर्स का जो है हमारी कंपनी का एक्सपीरियंस है मशीन मैन्युफैक्चरिंग। 20 इयर्स का मशीन मैन्युफैक्चरिंग का आपका एक्सपीरियंस जी सर, बिल्कुल। तो सर बेसिकली बात करी जाए तो किस किस कंपनी, जो कंपनी है आपकी, किस किस प्रोडक्ट में डील करती है प्रॉपर? हमारी कंपनी तो काफी प्रोडक्ट में डील करती है। जैसे अभी हम आपको सोडा बोटलिंग प्लांट हमारे बताएंगे, जो हम सोडा बोटलिंग प्लांट जो है मेन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वैसे तो सोडा मशीन है, फिर शुगर केन मशीन है, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, पॉपकॉर्न मशीन है, टी कॉफी मशीन है, कोकोनट शुगर केन कार्ट है, इस टाइप की काफी वेराइटीज है जिसके अंदर हम डील करते हैं। मतलब क्या बात है, अगर बात करी जाए तो मशीन्स के अंदर काफी सारी वेराइटीज है। बहुत सारी वेराइटीज है आपको, तकरीबन हमारे पास जो है नहीं तो 50 अबव प्रोडक्ट मिल जाएंगे सर। क्या बात है गाइस, जैसे आपने 50 अबव प्रोडक्ट आपको यहाँ मशीन्स में देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली आज जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या कुछ स्पेशल कवर करने वाले? आज जो है सर हम आपको सोडा बोटलिंग प्लांट ही दिखाएंगे, जो कम इन्वेस्टमेंट से जो है अपने खुद कंपनी के मालिक बन सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वाला और रोजाना चलने वाला ये बिजनेस आपको बताएंगे। क्या बात है। तो जैसे कि गाइस सर ने आपको बताया, जो आज हम इसके अंदर स्पेशल कवर करने वाले हैं वो सोडा बोटल का प्लांट कवर करने वाले हैं, जिसमें आप कम लागत में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात के साल के 365 दिन चलने वाला प्रोडक्ट है और डेली बेसिस पे यूज किया जाने वाला। तो सर बात करी जाए एग्जैक्ट लोकेशन एक बार जरूर कंफर्म करा दीजिए। हमारा जो लोकेशन है सर वो अहमदाबाद गुजरात में दानी लिमडा विस्तार है जी, जिसमें छिपा बीआरटीएस बस स्टॉप के बिल्कुल सामने जो है हाईवे कॉमर्शियल एस्टेट में हमारी कंपनी है एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग, जो बिल्कुल दानी लिमडा जो नारोल रोड है उसके बिल्कुल नजदीक में है। और रोड पे से आप बीआरटीएस बस स्टॉप के बिल्कुल सामने जो है आपको हमारा जो है बोर्ड बड़ा सा दिख जाएगा, उसी गली में हमारा जो है गोडाउन और शोरूम से जी। तो जैसे कि गाइस सर ने आपको बताया, एड्रेस भी कंफर्म कराया, काफी सारी मशीन्स की वैरायटी आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी जो आज हम कवर करने वाले हैं स्पेशली वो सोडा पैकिंग की मशीन कवर करने वाले हैं। तो चलिए सर एक बार दिखाएंगे हमें किस तरीके की मशीन्स होने वाली हैं। जी सर बिल्कुल दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि जो प्रोडक्ट की बात हम आज करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं साइड में, कि ये
आपको प्रोडक्ट बड़ी आसानी से आपकी छोटी सी शॉप से लेके बड़े मॉल तक देखने को मिल जाता है। तो आपने ये प्रोडक्ट तो देखा होगा, मगर कभी आपने सोचा ये प्रोडक्ट बनता कैसे? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम दिखाने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे। आज जो हमारा मेन फोकस है वो इस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर है, और उसी चीज के वर्क के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके लिए कौन सी मशीन यूज होती है। और बात करो इस प्रोडक्ट की, तो बड़ी आसानी से आप अपने घर से इस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। घर में बैठी लेडीज भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं, देखते हैं किस तरीके की मशीन होगी और क्या इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर रहेगा और किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनकर तैयार। दोस्तों जैसे कि मशीन के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हैं मशीन मेरे पीछे की साइड है, मशीन इस तरीके से होने वाली है। तो सर एक बार बताइए किस तरीके की मशीन है, कहाँ से प्राइस स्टार्ट होने वाला है, किस तरीके से वर्क करती है? बिल्कुल सर, ये जो है हमारा छोटा मॉडल है जी, जिसमें 1+1 से स्टार्टिंग मॉडल ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। 1+1 से, हाँ, 1+1 का मीनिंग ये होता है कि 1 जो है वो आपका प्लेन सोडा निकलेगा जी, बिल्कुल, जो क्लब सोडा रहता है स्ट्रॉन्ग वो, और 1 में से जो आए आपका जूस टाइप का जो है लिक्विड निकलता है। तो पहले सोडा आएगा, फिर आपका जो है सिरप आएगा जी, फिर यहाँ पर कैपिंग मोटर के अंदर उनको कैप लगानी है जी। ये इस तरह से जो है कैप लग जाएगी आपकी जी। फिर जो है ये पैकिंग करके बल्क में जो है कैरेट पैकिंग करके मार्केट में बाजार में आप सेल कर सकते हो। क्या बात है, ये जो मशीन है सर उसका जो कैपेसिटी है पर डे का वो 2000 बोतल का रहने वाला है सर। क्या बात है, 2000 पर बोतल का कैपेसिटी पर डे रहने वाला। हाँ, पर डे 2000 बोतल का प्रोडक्शन ये मशीन करके दे देगी सर। क्या बात है, तो सर मतलब बात करी जाए अगर एक प्रोडक्ट बनकर कितने टाइम में तैयार हो जाता है? एक प्रोडक्ट जो है सर वो तकरीबन 10 सेकंड में रेडी हो जाता है, एक अगर बोतल की हम बात करें तो। क्या बात है, मतलब हाँ। एक बोतल की बात करी जाए, जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ रखी है ये बोतल पूरी कंप्लीट, 20 सेकंड में बनकर, हाँ ये कंप्लीट हो जाती है जी, बिल्कुल। एक दिन के अंदर यानी कि 10 घंटों में जो है आप इसमें से 2000 बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग मॉडल है। फिर हमारे पास ऐसी भी मशीनरी है जो एक दिन के अंदर 20,000 बोतल का प्रोडक्शन भी करके देती है। मतलब एक दिन में 20,000 के, मतलब डिमांड के ऊपर अगर क्लाइंट कोई न्यू पर्सन से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है तो यहाँ से स्टार्ट, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन आती है, मार्केट बढ़ जाती है, तो वो अपने लेवल को बढ़ा सकते, बिल्कुल बढ़ा सकते। इसके बाद सर कौन सी मशीन दिखाएंगे? इसके बाद जो है हमारे पास 1+3 का सोडा बोटलिंग प्लांट है, जो प्रतिदिन जो है अप्रोक्स आपका 3 से 3,500 बोतल का प्रोडक्शन इजीली करके दे देगा। 3 से 3,500 का जी सर। मतलब क्या बात है गाइस, देख सकते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग करनी है, बस आपको अपने बिजनेस की एक बार जुड़ना है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है, और फिर आप अगर अपनी मार्केटिंग बना लेते हैं और आपकी प्रोडक्शन आने लग जाती है तो उसके बाद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप मशीन को भी बढ़ा सकते हैं जी। हमारे पास इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी की मशीन है, जैसे आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम टाइमर बेस्ड मशीन है, ये टाइमर बेस्ड मशीन है। और इसके बाद जो हमारे पास जो है इसी साइज में यानी कि यही कैपेसिटी की मशीन है 1+3 की, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है हमारे पास, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड। जैसे पहले कीपैड वाले मोबाइल आते थे सर, अब जो है टच स्क्रीन आ रहे हैं, और टच स्क्रीन में भी जो है हमारे पास इससे भी एडवांस फ्यूचर फंक्शन वाली मशीनें हैं। जैसे ये जो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है 1+3 में, ठीक है, ये भी हमारा जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है, काफी सारा स्टॉक आपके सामने अवेलेबल है जी, ठीक है। ये जो है हमारा पैक बॉडी है, यानी थोड़ा इसमें लुकिंग जो है और अच्छा लगता है, इस वजह से साइड से जो है पैक है, ये देख सकते हैं आप जी, बिल्कुल। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं साइड से पैक है पूरी मशीन, और फिर ये जो होने वाली है सर ये भी 1+3 की मशीन है, ये जो है पूरी टच स्क्रीन वाली रहती है, ये उससे भी अपग्रेडेड हो, हाँ ये सर बिल्कुल इससे भी अपग्रेड है। इसमें यहाँ पे टच आपका चलेगा, आप टच करेंगे तो भी सोडा निकलेगा और बटन दबाएंगे तो भी सोडा निकलेगा। क्या बात है, मतलब इस बात इस मशीन की बात करी जाए तो इसमें तो बिल्कुल टोटली आसानी होने वाली है हर चीज, बिल्कुल आसानी होने वाली है। कैलिब्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा आएगा सर, हमारी जो सोडा है उसमें परफेक्शन काफी होता है। देखो ये होता है कि टच स्क्रीन का क्या बेनिफिट है सर, तो ये आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हो ये सोडा की जो बोतल में थोड़ा सा कम ज्यादा है, इसको बोलते हैं वेरिएशन जी। तो हमारी जो मशीन है बहुत कम वेरिएशन के अंदर काम करती है जी। जैसे ये जो मशीन है वो 97% परफेक्शन के साथ वर्क करती है, जैसे एक जो है 1 करोड़ रुपए का प्लांट वर्क करता है उस इस तरीके से। जो इसमें जो दिया गया जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो PLC प्रोग्रामिंग अंदर जो सेट किया हुआ है, उस वजह से परफेक्शन काफी हमको मिल जाता है सर, प्रोडक्ट का परफेक्शन आप देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक बड़ी ब्रांड में परफेक्शन होता है उस हिसाब से आपके सामने है। क्या बात है, मतलब बात करी जाए अगर ऐसे क्वालिटी की, एक बड़े लेवल के ब्रांड से क्वालिटी मैच करी जाए तो बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाली है जी सर, बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी मिलेगी। आप कैरेट भी देख सकते हो, 4 महीने पुराना कैरेट है, अभी भी मशीन के बोतलों के अंदर जो है गैस भरा हुआ है, बिल्कुल। ये जो मास्टरी होती है ये होती है मशीन के कार्बोनेशन टैंक में okay. जो सोडा बनाता है, सोडा अगर आपका कूलिंग अच्छा होगा और गैस प्रॉपर मिक्स होगी तो आपका 3-3 महीने तक जो है प्रोडक्ट आपका सर एक्सपायर नहीं होगा। क्या बात है, हाँ तो मतलब डिपेंड करता है क्वालिटी के, बिल्कुल मशीन जो है वो जानदार होनी चाहिए जैसे हमारी है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसके अलावा इससे भी कोई परफेक्ट मशीन होने वाली है, इससे कोई एडवांस? बस ये सबसे टॉप मॉडल यही है सर, ये सेगमेंट में, यानी कि
3000 बोटल के प्रोडक्शन में अगर हम जाते हैं, 3 से 3500 बोटल के प्रोडक्शन में, तो ये हमारे पास टॉप एंड मॉडल है, ठीक है जी। और फिर जो है हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, सारा स्टॉक है, सैम मशीनें हैं। तो सर जैसे कि बात करी जाए नॉर्मली के, जैसे हमने बात करी थी ये मशीन्स की जी, तो अगर कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, तो उसमें उसको कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है? सर स्टार्टिंग जो है वो 1,45,000 से लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, और हमारे पास बड़े मशीनें जो है वो तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए तक की मशीन है सर। क्या बात है, मतलब 1,45,000 से आप अपना गाइस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर सर बात करी जाए, जैसे कि एक बार दोबारा से उस चीज को बोल देते हैं, आपने पहले भी बताया था हमें कि 1,45,000 रुपए की मशीन अगर कोई परचेज कर लेता है, उसके बाद जैसे एक बार प्रोडक्शन और क्लियर कर दीजिए, और वहां पे क्या प्रॉफिट वो कमा सकते हैं एक दिन के अंदर, वो एक बार क्लियर। प्रॉफिट जो है सर प्रतिदिन इजीली मेरे हिसाब से, अगर आप 1,45,000 रुपीस वाली भी मशीन लेते हो, तो प्रतिदिन आप 4,000 रुपए जो प्रॉफिट कमा सकते हो। क्या बात है, बिल्कुल सर। मतलब 4,000 रुपए आप दिन का बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, मतलब महीने का अगर आप देखते हैं तो 1,20,000 रुपए, तो मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर ही पूरी मशीन का कॉस्ट निकलने वाला, बिल्कुल निकलने वाला है। क्योंकि सर गर्मियों का बिजनेस है और काफी सीजन के अंदर ये ग्रोथ कर रहा है। पहले जो 1600 की मशीनें चलती थी, उसके अलावा अभी जो है लोग कोविड के हिसाब से ज्यादातर जो है बॉटल पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं, और या एक तरीके से हाइजेनिक भी रहता है सर, तो हाइजेनिक प्रोडक्ट के ऊपर, और ये जो है थोड़ा फ्रेश भी होता है दूसरे प्रोडक्ट के हिसाब से, तो अच्छा है, बढ़िया टेस्ट भी है, स्ट्रांगनेस भी है, और शादी विवाहों में, फंक्शन वगैरह में काफी जगह पे जो है ये चीज जो है बहुत चलती है, और आजकल तो चलन हो गया खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बेसिकली अगर बात करी जाए, जैसे आप मशीन सेल कर रहे हैं, तो मशीन तो आप सेल कर देंगे, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी रॉ मटेरियल्स की जी सर, क्योंकि अगर आपसे मशीन कोई परचेज कर लेता है तो रॉ मटेरियल के लिए कहीं ना कहीं क्लाइंट को दौड़ना पड़ता है, और छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सी जगहों पे जाना पड़ता है, तो उस जगह पे रॉ मटेरियल्स के लिए कंपनी का क्या सपोर्ट रहने वाला है? सर हम हमारे ग्राहक को दौड़ने नहीं देते। क्या बात, हाँ ऐसे लेके जेट तक बहुत उनको सपोर्ट मिलेगा जी। रही बात सबसे पहले स्टार्टिंग होती है बोतल की, है ना, कि खाली बोतल हम कहाँ से ले, एम्प्टी बोतल, तो एम्प्टी बोतल उसका ढक्कन, फिर ऊपर लगने वाला स्टिकर, फिर उसकी पॉलिथीन जो बल्ब पैकिंग के लिए जो ये यूज होती है प्लास्टिक की पन्नी जी। तो ये सारी चीजों के जितने भी जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है ना, उसका हम कॉन्टेक्ट करवा के देंगे आपको, वो अहमदाबाद शहर के देंगे, उनका कॉन्टेक्ट हम करवा के देंगे, वो आपको सप्लाई करके देंगे। क्या बात है, मतलब अगर बात करी जाए तो वो आपसे कनेक्टेड कंपनी है जी, बिल्कुल। और आपसे जुड़ने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आपसे मशीन परचेज कर सकते हैं, उन सबको सपोर्ट देने वाले हैं जी सर। तो क्या बात है, मतलब कि गाइस एक बार आपको यहाँ से मशीन परचेज करनी है और रॉ मटेरियल्स की भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आनी। तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, एक बार चलिए ठीक है मैं मशीन सेल कर दूंगा, और आप नहीं बुरा मत मानिएगा, क्या होता है बेसिकली मशीन आप भी सेल कर रहे हैं और आप ही के जैसे मार्केट के अंदर 50 लोग एक ही बिजनेस को करते हैं, मगर आप ही से क्या स्पेशल बेनिफिट मिले कंपनी को या क्लाइंट को कि वो आपसे मशीन परचेज करें? जैसे कि क्या होता है नॉर्मली कि हमने मशीन सेल कर दी, सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस बहुत से लोगों की बहुत खराब रहती है, तो उस जगह पर आपकी कंपनी की सर्विस क्या रहेगी? सर हमारी जो सर्विस ऐसे रहेगी कि फर्स्ट जो है वो मशीन, हमारी कंपनी ऐसा मानती है कि मशीन बहुत अच्छी बनी हुई होनी चाहिए, उसमें जो लगे हुए स्पेयर पार्ट्स है वो जेन्युइन लगे हुए होने चाहिए, क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हमारी मशीन की, जो बॉडी है वो पूरी स्टेनलेस स्टील की रहती है, मशीन में लगा हुआ जो कंप्रेशर है वो नया रहता है, उसकी आपको 1.5 साल की गारंटी दी जाती है, ठीक है, और मशीन के अंदर लगने वाले जितने भी स्पेयर पार्ट्स है उसमें से पूरी मशीन का ऑल ओवर आपको 2 ईयर का वारंटी गारंटी रहता है, उसमें से 70% पार्ट्स में आपको जो है गारंटी वारंटी मिलती है, 30% पार्ट्स में फुल्ली गारंटी है, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट है सर। क्या बात है, मतलब कि 70% की वारंटी होने वाली है और 30% की फुल्ली गारंटी होने वाली, फुल्ली गारंटी पीस टू पीस रिप्लेसमेंट दे देंगे, जैसे पार्ट्स आपने भेजा तो नया पार्ट्स मिल जाएंगे। क्या बात है, तो सर आपके पास कोई अपनी टेक्नीशियन टीम भी होती है इस चीज के लिए? बिल्कुल, हमारे पास पूरा जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, कंप्लेंट डिपार्टमेंट है, आप कॉल करेंगे तो आपकी कंप्लेंट को हम नोट करेंगे, आपके जो है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के ऊपर जो है आपको समझाया जाएगा, और हमारी कंपनी जो है हर एक मशीन के साथ, हमारे सारे सोडा बोटलिंग प्लांट के साथ आपको एक टूल किट प्रोवाइड करती है जी, बिल्कुल। टूल किट में पाने पकड़ डिसमिस वगैरह और एक स्पेयर पार्ट किट भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर आपको जो है सर्किट, सेंसर, मशीन के अंदर लगने वाला ट्रांसफॉर्मर, जितने भी छोटे मोटे स्पेयर पार्ट है जो हो सकता है इनकेस खराब हो सकते, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको साथ में ही मिलेंगे पहले से। क्या बात, तो उसकी मदद से आप ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के द्वारा जो है आप उसको अपनी मशीन का जो है छोटा मोटा प्रॉब्लम तो हाथ से ही सॉल्व कर लेंगे, अगर मेजर प्रॉब्लम रहा तो हमारा जो है इंजीनियर आपके वहां पर आएगा और आपकी मशीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाएगा। क्या बात है, मतलब गाइस जैसे कि देख सकते हैं सर ने कितनी अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देने वाले हैं कि आफ्टर सेल सर्विस आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलने वाली है गाइस, क्योंकि मशीन परचेज करने के बाद यहाँ टूल किट मिलने वाली है, छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी वीडियो कॉल के थ्रू
सॉल्व कर दी जाएगी, और कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो टेक्नीशियन भेजा जाएगा जिसके थ्रू वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सर एक चीज और कंफर्म करना चाहता है, कोई आपसे जुड़ना चाहता है, सपोज दैट कोई दूर का है, अदर स्टेट का है, और वो आपके यहाँ कॉल करता है, तो कॉलिंग के लिए क्या फैसिलिटी है उनके लिए? पूरा कॉलिंग डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी के पास। हमारे पास जो है वेल ट्रेंड एम्प्लॉइज है जो आपको जो अच्छी तरीके से जो है आपकी जो है नीड को समझेंगे, उस हिसाब से आपको पूरी तैयारी के साथ जो है रिप्लाई देंगे, यानी आप मशीन का कोई भी टेक्निकल पॉइंट्स भी उनको पूछ सकते हैं। हमारी टीम के पास जो है वो पूरे पूरा जो है हमारा कंपनी की फाइल है, उसमें सारे डेटाज है, आप कोई किसी भी मशीन के बारे में जो भी आप डीपली डिटेल्स भी जानना चाहोगे तो हमारे कॉल सेंटर डिपार्टमेंट जो है आपको प्रोवाइड करेगा। क्या बात है, मतलब बात करी जाए एक नया पर्सन जो बिजनेस करने से डरता है, वो डरता इसलिए है कि उसे एक्सपीरियंस नहीं होता। जी सर, है ना सर? तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पूरा कॉलिंग डिपार्टमेंट इसी चीज के लिए बैठा हुआ है कि अगर वो अपने बिजनेस आपसे जुड़ के स्टार्ट करता है तो उस जगह पे आपकी कंपनी की पूरी सपोर्ट रहने वाली। जी सर, पूरी सपोर्ट रहेगी, पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले। तो सर एक बार हमें एक बॉटल बनाकर दिखाएंगे किस तरीके से ये बनती है। जी सर, इसमें इस तरीके से बोतल बनती है, खाली बोतल रहती है। जी ठीक है, उसके ऊपर जो है पहले स्टिकर लगा जाता है। जी ठीक है, स्टिकर लगाने के बाद जो है उस बोतल को इस तरह का बोतल वॉशर मशीन के साथ आपको दिया जाता है, जिसको बोलते हैं बोतल वॉशिंग मशीन। इसमें बोतल को वॉश किया जाता है। आपने देखा कि किस तरीके से एक बोतल की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, तो अब हम जानते हैं कि इसकी कॉस्ट किस तरीके से पड़ती है। तो सर जैसे कि बात करी जाए कि कंप्लीट बोतल है। जी ठीक है, तो इसकी बोतल कितने की पड़ने वाली है? बोतल जो रहेगी सर ये 200 ml की बोतल है जी, जिसका वेट जो है 12.75 ग्राम है। ये आपको ₹2.35 में खाली बोतल पड़ेगा एमटी, खाली बोतल ₹2.35। और सर इसके ढक्कन की बात करें, ये कैप जो है सर वो अच्छी क्वालिटी का कैप 0.65 में आपको पड़ेगा, 0.65 में कैप पड़ने वाला। जी बिल्कुल, और उसके अंदर ये गैस भी डलती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसा गैस का बोतल आता है। अब एक बोतल के अंदर जो आपका गैस जाएगा सर वो 0.018 का आपकी गैस चली जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, इसमें आरओ प्यूरिफाई का वाटर भी जाएगा, तो उसका भी कितना कुछ मेंटेनेंस जोड़ना है तो भी हमने जोड़ दिया है 0.025 आपका आरओ में पानी का मेंटेनेंस। और सर ये स्टिकर की बात करी जाए तो स्टिकर, हाँ स्टिकर जो है सर वो 30 का लगेगा। और इसके अंदर जो सिरप डली हुई है जो चीनी शक्कर से अभी जैसे हमने आपको बना के दिखाया, तो वो जो आपका जाएगा सर वो ₹1.37 का अंदर सिरप जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो जाएगी जो एक बोतल के ऊपर खर्च आएगा 0.07 का इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। अब ये लेबर ने जो काम किया है उसकी जो हम पगार देंगे तो एक बोतल के ऊपर आपकी जाएगी लेबर को 0.13 की। ठीक है, और स्टिकर तो आई गया 30 का, और एलडी थैली जो है प्लास्टिक का थैली है बल्ब पैकिंग का, ये आपका 0.30 का एक बोतल के ऊपर उसका भी कॉस्टिंग हमने जोड़ दिया। क्या बात है, टोटल जो है ₹5.10 में नेट आपको जो है ये बोतल पड़ रही है सर। क्या बात है गाइस, जैसे कि देख सकते हैं ये बोतल मेरे हाथ में 200 ml की, और ये ₹5.10 में आपको नेट कॉस्ट पड़ने वाली है। तो सर ये तो एक बोतल की बात हुई, अगर इस पैकेट की बात करें पूरी कंप्लीट पैकेट कितने का? ये आपको जो ₹122 में जो है सर वो घर में पड़ेगा, ₹122 का घर में पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, बना के अपनी खुद की ऑन मैन्युफैक्चरिंग। जी बिल्कुल, ऑन मैन्युफैक्चरिंग ₹122 में आपको पड़ेगा। और अगर बात करी जाए इसकी सेलिंग क्या है? ये 24 रंग का कैरेट है सर, ये आपको ₹122 में आपको पड़ेगा। अगर इसके अगर हम सेल करते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइस इसका मिलता है। वैसे मार्केट में अभी के मार्केट प्राइस की हम बात करें तो ₹180 में जो है वो आपसे डीलर ले जाएगा, ₹180 में मार्केट प्राइस अभी का देखा जाए। हाँ बिल्कुल, आपसे डीलर परचेज कर लेंगे। हाँ डीलर आपसे ₹180 में परचेज कर लेंगे, ₹20 डीलर का प्रॉफिट चढ़ाएंगे तो वो ₹200 में रिटेलर शॉप वालों को दे देंगे। जी बिल्कुल, और रिटेलर शॉप वाले जो है अपना एक कैरेट के ऊपर ₹40 प्रॉफिट रख के ₹10 में एक बोतल को बेचेंगे तो ₹240 उनका हो जाएगा। क्या बात है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अगर इसके साथ 4% जुड़ते हैं तो चारों का मार्जिन अलग रहने वाला। जी बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बोतल बना ली और ₹5, 5 या 10 की हमें पड़ गई है तो हमें बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट मिलने वाला, मतलब प्रॉफिट सबका बराबर बैठा हुआ, प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा मिलना है आपको भी मिलना है। आप डायरेक्ट भी जो है आप मशीन नॉर्मल ले रहे हो, छोटी मशीन ले रहे हो, तो आप डायरेक्ट भी रिटेलर को दे सकते हैं, दुकान दुकान पे जाके आप जो है लोडिंग रिक्शा में जो है सप्लाई अपना कर सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, मगर एक होलसेल का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो ₹58 पर कैरेट के ऊपर आपको मिल रहा है। क्या बात है, ₹58। हाँ ₹58 होलसेल पे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, और ये मशीन जो है आपकी 80 बना के देगी, 80 बना के देती है। जी बिल्कुल सर, और ये मशीन तकरीबन आपका 125 अलग अलग रहती है सबकी कैपेसिटी। मतलब अगर हम स्टार्टिंग वेरिएंट की
बात करें, स्टार्टिंग वेरिएंट ये आपको बना के दे दी 80 कैरेट बना के, 80 कैरेट बना कर देगी, तो मतलब ओवरऑल देता है मोटे से मोटा 4,000 से 5,000 दिन का, बिल्कुल इजीली कमा सकते हैं, और बाकी तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, बिल्कुल मेहनत के ऊपर, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे उतना एक्स्ट्रा बनाएंगे उतना एक्स्ट्रा कमाएंगे जी, बिल्कुल सर। और ज्यादा भी चला सकते हैं मशीन को, और ज्यादा। और सर जैसे कि ये बॉटल मेरे हाथ में है, तो ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी कंपनी का लोगो है जी, बिल्कुल स्टिकर पे, अगर मान लीजिए कोई अपने नाम से इसको छपवाना चाहे तो उस जगह पे क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल, हम स्टिकर जो छापने वाले रहते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देंगे, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके 30 पैसे में आपको छाप के दे देंगे स्टिकर, 30 पैसे में स्टिकर छाप कर दे देंगे, और अपने नाम से भी वो, हाँ उनके नाम से उनको, आप जैसे आपका व्यूवर्स जो है कोई मशीन परचेस करता है कोई क्लाइंट, तो उनको उनकी ब्रांड का नाम डलवाना है यहाँ पर, तो उनके ब्रांड के नाम वाला स्टिकर जो है 30 पैसे में हम आपको कॉन्टेक्ट करवा देंगे, तो आपको छाप के दे देंगे। क्या बात है गाइस, जैसे कि आपने सुना कि ये तो सर के खुद के नाम का यहाँ पर स्टिकर प्लेस किया गया है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि अपने नाम का यहाँ पर स्टिकर प्लेस कराना चाहते हैं, अपने नाम से ब्रांड चलाना चाहते हैं, तो वो भी आप बड़ी आसानी से करा सकते हैं। बात करी जाए जैसे ये जो स्टिकर आपके नाम का है, तो यहाँ कैप के ऊपर भी आपका नाम प्लेस है जी, इसकी हमारे पास मशीन है जिसको पैड प्रिंटर मशीन बोलते हैं जी, उसमें आप अपने नाम का ब्रांड लोगो लगा सकते हैं जी, मशीन भी आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये मशीन है जी, जो पैड प्रिंटर मशीन बोलते हैं जी, इसमें इस तरीके से जो है ढक्कन को रखना है जी, और ढक्कन के ऊपर जो है ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, अपने खुद का जो है वो आप ब्रांड नेम लगा सकते हैं, इसमें जो है अपनी कंपनी के नाम से आप अलग अलग छपवा सकते हैं, जैसे ये SS ऑरेंज लिखा हुआ है जी, SS लेमन लिखा हुआ है, SS जीरो लिखा हुआ है जी, तो अपना ब्रांड नेम जो है आप डलवा सकते हैं। क्या बात है, मतलब इसकी मशीन आप ही के पास से मिलने वाली है? बिल्कुल, इसकी भी मशीन हमारे पास से मिल जाएगी। क्या बात है। और नेक्स्ट जो मशीन है हमारे पास, तो सर जैसे कि ये एक चीज और कंफर्म करना चाह रहा था, जैसे कि यहाँ पर डेट प्रिंट की गई है जी, तो ये डेट प्रिंटिंग की भी मशीन आपके पास होती है? जी, डेट प्रिंटिंग की मशीन भी हमारे पास आपको मिल जाएगी, डेट प्रिंटिंग की मशीन है सर हमारे पास जी, इसमें जो है आपको सिर्फ बॉटल को रखना है, ये बॉटल इस तरीके से रखी जाती है जी, जी बिल्कुल, और बॉटल के ऊपर यहाँ से जो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होके जो है आपका डेट भी आप छाप सकते हो, लोगो भी छाप सकते हो, सीरियल नंबर भी आप डाल सकते हो, अपना कोड नंबर, बैच कोड नंबर भी आप डाल सकते हैं सर। क्या बात है। तो बात करी जाए गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पर आने के बाद आपने देखा काफी सारे मशीन आप देख सकते हैं स्टॉक वाइज, तो सर जैसे कि हमने एक ये मशीन देखी, एक ये मशीन आपने दिखाई, सेकंड मशीन किस चीज की है? ये जो है सर, ये आपकी सेमी ऑटोमेटिक स्टिकर पेस्टिंग मशीन है, जैसे कि अभी आपने आगे हमने देखा कि वो बंदे लगा रहे थे स्टिकर जी जी जी, अब इसको हम आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें इस तरीके से जो स्टिकर लगता है, सिर्फ बॉटल को रखना है जी, और इसको प्रेस करना है जी, तो ये स्टिकर आपका लग जाएगा। क्या बात है, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन। तो दोस्तों अभी तक आपने एक नॉर्मल बेसिक्स मशीन देखी थी जो आपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं, आप इस साइड देख सकते हैं ये कुछ बड़ी मशीन है, तो सर इसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है और किस तरीके से वर्क करती है? सर ये जो है हमारा 4+4 का सोडा बोटलिंग प्लांट है, 4+4 का जी, 4+4 ये होता है जी, ये आपका 4 जो है वो आपका सोडा निकलेगा जी, और 4 जो है आपके सिरप्स निकलेंगे ठीक है, इसमें से आप सोडा और सिरप का प्रोडक्शन कर सकते हो जी, पर आवर जो है ये आपको 1200 बोटल का प्रोडक्शन करके देगी सर। क्या बात है, पर आवर जी 1200 बोटल का प्रोडक्शन करके देगी, और आप सारी मशीनों में से हमारी 200 ml से लेके 3 लीटर तक का बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या बात है, ये 200 ml का प्रोडक्शन कैपेसिटी मैंने आपको बताया, अगर हम इसको 3 लीटर का करेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कब हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बोतल के अंदर सोडा की बढ़ गई है सर। जी बिल्कुल सर, तो ये मशीन है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा मॉडल है जिसको बोलते हैं हम 3+2+3, यानी इसमें जो है वो होने वाले है 3 सोडा, 2 होने वाले है सिरप, 2 होने वाले है पानी, और 1 होने वाला है सिरप, और इसमें भी डबल कैपर रहेगा। मशीन PLC प्रोग्रामिंग बेस्ड मशीन है, फुल्ली 304 स्टेनलेस स्टील में इसका बॉडी बना हुआ है, इमर्शन क्लॉस फॉर कंपनी के कॉम्प्रेशर लगे हुए हैं मशीन में, बिना क्या कंपनी की जैसे कंडेंसर लगे हुए हैं मशीन के अंदर, मोटर लगी हुई है मैराथन कंपनी की, यानी कि सारे स्पेयर पार्ट जेन्यून लगा के एक बहुत ही अच्छी मशीन को बनाया गया है। क्या बात है, मतलब बात करी जाए क्वालिटी के मामले में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हमारा ये 3+4 का मशीन है, ये भी हमारा जो है PLC प्रोग्रामिंग बेस्ड मशीन है, ये जो है हमारी सेमी ऑटोमेटिक सोडा बोटलिंग प्लांट है, जो बड़ा प्लांट है हमारा, जिसमें आपको सिर्फ बॉटल को हैंगिंग करना है और सोडा भी आ जाएगा एक ही जगह से, वहां से सिरप भी आपका आ जाएगा। क्या बात है, 2-in-1 काम करने वाला है। जी बिल्कुल, 2-in-1 आपकी काम करेगी। फिर हमारे पास एक शरबत फिलिंग मशीन है जिसमें आपका जो जूस फिल होगा, जिसमें आप समझो कि पाइनएप्पल, लीची, एप्पल, ब्लूबेरी, गुआवा, जामफल, इस टाइप का अलग अलग जो जूस टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं,
गुलाब शरबत वगैरह इस टाइप के आप शरबत टाइप का जो है इसको वाटर फील कर सकते हैं सर। क्या बात है, मतलब बात करी जाए मशीन्स की तो मशीन की तो कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है और वैरायटी यहाँ पर बहुत सारी मिलने वाली, बिल्कुल वैरायटीज मिलने वाली है सर। ये दूसरी भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है, 2+2+2 की मशीन है जो PLC प्रोग्रामिंग के अंदर है। ये हमारे पास 2+2 का मशीन है जो टाइमर बेस में है, 2+2 का मशीन है जो सॉफ्टवेयर बेस में है, और ये मशीन जो है सर हमारी बुक हो चुकी है अफ्रीका के लिए जानी है ये मशीन। क्या बात है, ठीक है। तो हमारी जो कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है मशीन को सप्लाई करती है सर। क्या बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका सप्लाई होता है। तो सर अगर बात करी जाए, मान लीजिए एक मशीन मुझे पसंद आती है और मैं आपसे ऑर्डर करता हूँ घर बैठे, तो उस टाइम पे डिस्पैच का क्या टाइम रहता है आपका? डिस्पैचिंग का टाइम अगर मशीन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह स्टॉक है जी, तो हम 3 डेज में जो है मशीन यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल है मशीन। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में है तो फिर हम आपको टाइम दे देंगे। क्या बात है, मतलब अगर आप सडनली आपके पास अवेलेबल है तो 3 दिन के अंदर आप मशीन को डिस्पैच कर देते हैं, और बाकी फिर तो अगर नहीं है तो वो तो फिर एक मजबूरी है। हाँ। कि कितना टाइम लगता है बनने में। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइमिंग लगता है, जैसे कि कितने ऑर्डर्स है हमारे पास। जी जी, ठीक है। सीजन में ऐसा होता है कि कई बार बहुत ऑर्डर आ जाते हैं, तो कभी जो है 15-20 दिनों की, 25 दिन की, महीने दिन की भी वेटिंग हो जाती है, वो तो टाइम अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे जैसे कस्टमर अपना ऑर्डर। तो मतलब बात करी जाए वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी मशीन ओवरऑल ऑलरेडी हम देख ही पाए और फैक्ट्री भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। बिल्कुल, हमने जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपका अपना खुद का वेयर हाउस भी है, अपनी फैक्ट्री भी है, तो अपनी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कि बात करी जाए मशीनों की, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये मशीनें किस तरीके से बनती है, कहाँ बनाई जाती है? ये सर हमारा खुद का फैक्ट्री है जिसमें जो है मशीन बनती है। पहले जो है वो बॉडी बनता है मशीन का जी, ठीक है, जिसमें कंप्रेसर सिस्टम और अंदर कूलिंग सिस्टम और कार्बोरेटिंग सिस्टम के वर्क होते हैं। सारा असेंबलिंग लाइन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद का है, क्या हम खुद इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब क्या बात है कि ए से लेकर जेड तक सारी मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की है? बिल्कुल सर, हम होलसेल में भी सप्लाई करते हैं, किसी होलसेल में भी सप्लाई करते हैं। तो मतलब बात करी जाए प्रोडक्ट क्वालिटी की, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली? नहीं, बिल्कुल। आफ्टर सेल सर्विस की बात करी जाए, उसके लिए हमने बात करी, वो भी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी। आफ्टर सेल सर्विस के लिए जो है हमारे पास कंप्लेंट डिपार्टमेंट है और हमारे पास कंप्लेंट टीम है हमारे पास टेक्नीशियन। तो वीडियो में पूरी जानकारी तो हम कवर कर नहीं सकते, बिना वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। हमारे खुद की चैनल है SS सोना मशीन के नाम से, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सर लिंक डाल देंगे, वहां पर जाके आप क्लिक करके हमारे सेपरेट सारी मशीनों के वीडियो डले हुए हैं, वहां पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है, तो चलिए सर देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अगर आपके पास है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं सर से हम मिले, काफी सारी वैरायटीज सर ने दिखाई, काफी सारी मशीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। 1,40,000 रुपए से मात्र आप अपने घर बैठे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से 4,000 रुपए दिन का कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इस मशीन को लगाने के बाद आपको ये मिलने वाला है कि इसमें आपको खुद से भी काम नहीं करना, घर में लेडीज होती हैं जो इस काम को बड़ी आसानी से घर से स्टार्ट कर सकती हैं और अपने खुद की अर्निंग घर बैठे कर सकती हैं। तो गाइज अगर किसी भी तरीके की कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सर ने आपको बताया कि इनकी यहाँ पर पूरी कॉलिंग डिपार्टमेंट बैठा हुआ है और आपको सारे तरीके का सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ।